नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि किसी के लिए भी अपने आप को बदल के बुरे कर्मों को मत करो, अच्छे कर्म ही करो। ऐसा क्यों बहुत ज़रूरी है आज के सिनेरियो की अगर हम बात करें कि अभी भी वक्त है कि हम अपने आप को सुधार लें, अपने आप को आध्यात्मिक तौर पर उन्नति की ओर ले जाएँ। दोस्तों, हम अपने इस पूरे जीवन में किसी न किसी को खुश करने के लिए, किसी न किसी को प्रसन्न करने के लिए हर तरीके के अनगिनत कर्म करते हैं, बुरे अच्छे हर तरीके के, जानबूझ के भी अनजाने में भी। कभी रिश्तेदार को खुश करना है, कभी बच्चों को खुश करना है, कभी पड़ोसी को खुश करना है, कभी गर्लफ्रेंड को खुश करना है, कभी बॉयफ्रेंड को खुश करना है, कभी पत्नी को, कभी पति को, कभी ससुराल वालों को। पर अगर आज की हम चाहे बात करें, जो कोरोना का वक्त चल रहा है, चाहे किसी भी उसकी आपदा की बात करें या इस महामारी की बात करें, हर इंसान आज अकेला ही अपने संकट से जूझ रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, अकेला ही हर चीज़ कर रहा है। उसकी मदद के लिए उसके सामने कोई नहीं आ रहा, ना उसका पड़ोसी, ना रिश्तेदार, ना जानकार। हो सकता है आ रहे हों, पर बहुत कम रेयर ऐसे लोग होते हैं जो अपनों की परेशानी में आते हैं। रिश्तेदार खुशी में तो खुश हो सकते हैं, पर दुख में साथ देने के लिए नहीं खड़े होना चाहते। वो चाहते हैं कि कभी भी उनको मदद के लिए ना पुकारा जाए, पर जब वो मदद मांगे तो आपको होना ज़रूरी है। हर रिश्तेदार चाहता है कि उसकी शादी ब्याह में, उसकी खुशियों में आप ज़रूर शामिल हों, भले ही आप की दुख में वो शामिल होना हो, पर आपसे हर बंदा एक्सपेक्टेशन लगाएगा। और आज के सिनेरियो की बात नहीं, आपके जीवन में कोई बीमारी हाली है, पैसे की तंगी है, कोई किसी कोई पर्टिकुलर इंसान घर का बीमार है, किसी को कैंसर है, किसी को किडनी की बीमारी है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, अकेला ही आप या आपके बच्चे आपको संघर्ष करना पड़ता है। आपकी मदद के लिए ना रिश्तेदार आगे आते हैं, ना समाज आगे आता है, ना पड़ोसी आगे आता है, ना दोस्त आगे आते हैं, ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आते हैं, ना कोई और आता है। जो मेहनत, जो शिद्दत, जो चिंता और जो परवाह आप खुद की खुद से करते हो, या बहुत जोर मारो आपकी पत्नी या बच्चे या आपका पति या आपके बच्चे करेंगे, उतना बाहर का कोई नहीं करेगा। आज के सिनेरियो में रिश्तेदार भी बाहर के ही माने गए, ये भी सामाजिक भाई बहन की तरह ही बन चुके हैं। जो पहले इमोशनल लव और बॉन्डिंग हुआ करती थी, वो शादी होने के तुरंत बाद ख़त्म होती चली जाती है। आपके अपने ही भाई, आपकी अपनी बहनें सामाजिक मित्र बन के रह जाते हैं, और वो बिहेव भी वैसा ही करते हैं, और एक्सपेक्टेशंस आपसे रखते हैं बहुत ज़्यादा, पर बदले में रिटर्न्स की जब बात आती है तो सामाजिक लोग जो होते हैं, एक्वेंटेंसेस होते हैं, जिनसे हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते, उसी तरीके से आप एक्सपेक्ट करना चाहिए आपको, और वैसा ही बिहेवियर आपको मिलता है। तो चाहे किसी महामारी का काल हो, चाहे कोई अन्य बीमारी हो, चाहे पैसे की तंगी हो, चाहे कोई और कर्जा हो आप पे, हर परिस्थिति में आपको अकेले ही जूझना पड़ता है, ये आपका अपना दिल जानता है। जब हर परिस्थिति में आपको अकेले ही जूझना है, संकट में, परेशानी में, कोई बीमारी हाली में, पैसे की तंगी में, कोई आपदा में, कोई हादसे में, तो आप किस लिए बुरे कर्म कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, किसको खुश करने के लिए अपने आप को, अपने दामन को खराब कर रहे हो, अपने दामन पे दाग लगा रहे हो, किन लोगों के लिए कर रहे हो? इस बात को समझिए कि अभी भी वक्त है, जो आपको ये बार बार चीख चीख के कुदरत बोल रही है कि अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपनी चादर को मैली मत करो, क्योंकि ना समाज काम आएगा, ना कोई रिश्तेदार काम आएगा, ना पड़ोसी काम आएंगे, ना कोई जानकार काम आएंगे। आप चीखते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, पर आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको ही ढूंढना पड़ेगा। धक्के खाते हुए, रोते हुए, मदद मांगते हुए अकेले ही आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि मदद करने वाले मदद कम करते हैं, ताने ज़्यादा मारते हैं, एहसान ज़्यादा जताते हैं, और वो एहसान का बोझ इतना बड़ा होता है कि आप दो निवाले नहीं खा सकते उस एहसान को अपने सर पे लेने के बाद। हर वक्त आपकी नज़रें झुकी रहती हैं, हर वक्त ना जाने क्या कुछ सुनने को मिल जाए। तो सब कुछ जानते हुए भी लोग जब बुरे कर्म करते हैं, अपनों को मनाने के लिए, अपनों का साथ पाने के लिए, अपनों को खुशी देने के लिए, किसी और को खुशी देने के लिए, तो ये भूल जाते हैं कि ये जो बुरा कर्म है, इसका प्रारब्ध तो आपको अकेले ही भुगतना है, पर आपके एफर्ट्स को एक्नॉलेज करने वाला भी कोई नहीं होगा। एक तो कहते हैं ना, हमने बुरा किया किसी के साथ किसी को खुश करने के लिए, पर जो खुश हुआ उसने भी आपको किसी भी तरीके की
खुशी नहीं दी, एक्नॉलेजमेंट नहीं दी, किसी भी तरीके का दुलार नहीं दिया, किसी भी तरीके की शाबाशी नहीं दी। उल्टा वो कमी ही निकालेगा कि हाँ यहाँ कमी रह गई, और जिसके साथ बुरा हुआ वो ना जाने कितना दुख भोगेगा। तो ये कुदरत का ही न्याय होता है कि आप किसी के लिए बुरा करते हो, किसी को खुश करने के लिए, और जिसको खुश करने के लिए करते हो वो भी तुम्हारा नहीं है। तो अभी भी वक्त है, अपनी आत्मा को झंझोड़ो, अपनी आत्मा से सवाल पूछो, आईने में खुद को देखो कि मैं किसके लिए बुरे कर्म कर रहा हूँ। इतने लोग मर रहे हैं आज के वक्त में, और सुन के रूह कांप उठती है। और ये तो इस महामारी की बात है, आम जिंदगी में भी ना जाने कितनी बीमारियों से लोग मरते हैं, कैंसर से, किडनी से, हार्ट अटैक से, लिवर की प्रॉब्लम से, एक्सीडेंट में, जिसके आंकड़े भले ही दिखाई नहीं जाते पर हज़ारों लाखों लोग मरते हैं। तब भी लोग उस चीज़ को नहीं एहसास अपने अंदर भीतर रखते कि लोग आपके पास सिर्फ जब तक रहेंगे जब तक उनकी ज़रूरत है, जब ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी तो आपको कोई नहीं पूछेगा। और ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है समझनी कि आपको अपने कर्मों को नहीं बिगाड़ना, क्योंकि अंतोगत्वा आपके कर्म का जो प्रारब्ध साथ जाने वाला है उसमें आपका कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा कि मैंने उसके लिए किया, मैंने उसके लिए बुरा किया, मैंने इस मजबूरी में बुरा किया, वो नहीं तो मुझे रिश्तेदार नहीं मेरी साथ देते, नहीं तो वो मेरे मदद नहीं करता, नहीं तो मेरा दोस्त रूठ जाता, नहीं तो प्रेमिका चली जाती, ये दुहाई कोई नहीं मानेगा। कोई सरकमस्टांसिस की जो वो है अहमियत नहीं मानी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ वो कर्म देखा जाएगा जो आपके द्वारा गठित हुआ, और उसका फल भी आपकी आत्मा को भोगना पड़ेगा। इसीलिए अभी भी वक्त है झूठी शान के लिए, दिखावे के लिए, लोगों को से अपनी शाबाशी झूठी पाने के लिए, कॉलर ऊंची करने के लिए कोई भी बुरे कर्म मत कीजिए। इस बात को डरिए, भगवान से डरिए, कब ईश्वर हमारे को हमारे इस जीवन को छीन लिया जाए हमें नहीं मालूम। तो जब तक ये जीवन है हमें अच्छे कर्म करने हैं, ये ध्यान रखते हुए कि हमारी आत्मा को साफ सुथरा आगे जाना है, अपने दामन पे दाग लेके नहीं जाना, क्योंकि ये दाग हमें अकेले ही धोने पड़ेंगे, साफ़ करने पड़ेंगे उस प्रारब्ध को चुका के। कोई और ना रिश्तेदार साफ़ करेगा, ना पड़ोसी, ना जानकार, ना प्रेमिका, ना प्रेमी, ना पति, ना पत्नी। तो अपने आप को बदलिए और बुरे कर्म करना बंद कीजिए। अभी भी वक्त है, अब इस मोड़ पे जहाँ दुनिया मर रही है, इस चीज़ को एक अलार्म की तरह लीजिए। चाहे आप ये कुदरत का तरीका कहिए, चाहे मानव रूपित कार्य सोचिए, कुछ भी हो, एक अलार्मिंग स्टेज तो है ही। तो हमें अब वक्त आ गया है कि अपने हर कर्म को, बुरे कर्म को ठीक करना है, अच्छे कर्मों को करते चले जाना है, ताकि हमें मरते वक्त कोई भी माथे में शिकन ना हो कि हमसे कहीं चूक हुई है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप आध्यात्मिक तौर पर अब अपनी उन्नति की तरफ सोचेंगे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं तो आप हमसे धुनी मंगाइए, घर में जलाइए, हर तरीके से पॉजिटिविटी आएगी, काम बनेंगे, काला जादू खत्म हो जाएगा, वास्तु दोष ठीक हो जाएगा, नज़र दोष, हाई टोक जो लगती है वो भी लगनी बंद हो जाएगी। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।